हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप सबको ईद मुबारक, ठीक है, बहुत बहुत मुबारक ईद की। और दोस्तों चलिए आज का ये वीडियो जो है मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये लेकर आया हूँ, जो कि आप लोगों से मैं एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। छोटा सा इन्फॉर्मेशन है लेकिन बहुत बड़ा चीज़ है। तो ये जो है कुछ चीज़ें जो है मैं YouTube पे खुद से सोचता हूँ कि अगर ये चीज़ किया जाए तो YouTube पे बेटर हो सकता है, ये चीज़ किया जाए तो YouTube पे ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। तो आज का ये जो वीडियो का टॉपिक है, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अभी एक काम आपको नहीं करना है, जिससे अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे तो आपका YouTube अर्निंग इंक्रीज होगा, डेफिनेटली आपका अर्निंग जो है डबल हो सकता है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को देखते रहिए। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो या सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं, लगभग आज से 4-5 महीने पहले मैंने एक चीज़ का वीडियो बनाया था जिसपे मैंने बताया था कि आप लोगों को जो है अपने चैनल पर इंट्रो यूज नहीं करना है। इंट्रो का मतलब होता है जैसे कि बहुत सारे लोग थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप का इंट्रो बना कर रखते हैं, जैसे कि बोलते हैं चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद से जो है 7 से 8 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड का एक इंट्रो चलता है जिसमें म्यूजिक रहता है, एनिमेटेड लिखा हुआ चैनल का नाम आता है। तो ये चीज़ मैंने कहा था कि आपको अपने चैनल पर यूज नहीं करना है। उससे क्या हो रहा था कि वहाँ पर जो है उस जगह पर लोग इरीटेट हो रहे थे। लोगों के पास अभी के जनरेशन में लोगों के पास अभी टाइम नहीं है। अभी लोग चाहते हैं, आप लोग सब भी चाहते हैं कि जो चीज़ बता रहा हूँ वो डायरेक्टली बता दूँ, आपका टाइम वेस्ट ना करूँ। सब कोई ऐसा ही सोचते हैं, आपको लोग क्या सोच रहे हैं वो आपको सोचना है। YouTube का मतलब ही कुछ ऐसा है, लोग क्या सोच रहे हैं वो आपको सोचना है। तो मैंने कहा था कि आपको इंट्रो यूज नहीं करना, जैसा कि मैं भी यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि इंट्रो आप यूज करोगे तो फिर वहाँ पर क्या होता है, ऑडियंस रिटेंशन डाउन होता है, ऑडियंस को इरिटेटिंग लगता है, वहीं से आपका वीडियो छोड़कर चला जाता है, जिसके कारण से आपका वीडियो में वॉच टाइम नहीं आता, आपका वीडियो जो है वहीं पर फ्रीज हो जाता है और आपका वीडियो आगे सजेशंस में नहीं जाता है, आपके व्यूज डाउन होने लगते हैं। तो इसी तरह से मैंने कहा था कि इंट्रो यूज नहीं करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आउट्रो अब जो है आपको अपने चैनल पर यूज नहीं करना है। आप कुछ दिनों से मेरे चैनल को नोटिस करो, पिछले 3-4 वीडियो से मैं आउट्रो नहीं लगाता हूँ। आउट्रो का मतलब होता है जो लास्ट में मेरा वीडियो खत्म होने के बाद एक म्यूजिक चलता था और ऑरेंज कलर का एक बैनर टाइप का आता था ना पहले, कि दो वीडियो आते थे और बीच में सब्सक्राइब वाला मेरा लोगो आता था, वो चीज़ अभी आपको मेरे किसी भी वीडियो में पिछले 3-4 वीडियो से आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैंने यूज करना छोड़ दिया। अब क्यों छोड़ दिया, आपको क्यों छोड़ देना है ये चीज़ बता रहा हूँ। तो गाइज क्या होता है कि अभी एक यूट्यूब का न्यू पॉलिसी के रूल के अनुसार, यूट्यूब का मैंने इस पर भी वीडियो बनाई थी कि अभी 2 बार ऐड आते हैं आपके वीडियोज़ पे, स्टार्टिंग में भी ऐड आते हैं, एंडिंग में भी ऐड आते हैं, आपका वीडियो पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद भी एक ऐड आता है। तो वो जो ऐड आता है लास्ट वाला, तो उसमें क्या होता है कि आप अगर आउट्रो लगा करके रखोगे तो क्या होगा, पब्लिक क्या होगा कि आउट्रो जब आपका चलना शुरू होता है तो आप वहीं पर वीडियो को छोड़ दोगे, आप वहाँ तक वीडियो देखोगे जहाँ तक मैं कहूँगा वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम, मैंने कहा मेरा आउटडोर चलने लगा, अब आप वहीं पे जो है वीडियो को एग्जिट कर देते हो, लास्ट तक नहीं देखते, जिसके कारण से वो ऐड नहीं आ पाता है। ऐड कब आता है, अभी यूट्यूब के न्यू रूल के अनुसार एकदम लास्ट में ऐड आता है। तो मैं अगर आउटडोर यूज करूँगा तो आप जो है ऐड तक रुकोगे नहीं और मेरा ऐड आएगा नहीं। तो अभी मैं आउट्रो लगाना बंद कर दिया, अब डायरेक्टली जय हिंद वंदे मातरम बोलूंगा, मेरा वीडियो खत्म हो जाएगा, और खत्म जैसे ही हो गया वहाँ से एक ऐड स्टार्ट हो जाता है, स्किपेबल ऐड कुछ भी हो सकता है। तो स्किपेबल ऐड मान लीजिए आ गया तो वहाँ पे ऐड आने की संभावना बढ़ती है, मतलब कि आता ही है। और मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ मेरा अर्निंग थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है 4-5 दिनों से, जब से मैंने ये चीज़ अपने चैनल पर लागू किया। तो दोस्तों ये सब चीज़ें मुझे खुद से सोचना पड़ता है, ये सब चीज़ ना तो YouTube के रूल पे लिखा हुआ कहीं पे, ना तो कुछ लिखा हुआ, कुछ कुछ चीज़ें खुद के माइंड से भी सोचना पड़ता है कि पब्लिक क्या सोच रहे हैं। मैंने समझ गया था मैं कि वहाँ पर पब्लिक जो है आउट्रो तक ही देखेंगे, आउट्रो लास्ट तक नहीं देखेंगे, जय हिंद वंदे मातरम बोला वहीं पे आप वीडियो को एग्जिट कर देते हो, मैक्सिमम लोग कर देते थे, आप लोग बताना करते थे या नहीं कमेंट पे। तो अब जो है मैं जैसे ही जय हिंद वंदे मातरम बोलूंगा इस वीडियो पे भी देखना, वहाँ पे मेरा आउटरो नहीं रहेगा, डायरेक्टली वीडियो खत्म हो जाएगा। अब आप बोलोगे मनोज भाई आउटरो में 2 वीडियो ऑप्शन में आते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है आपके अगले वीडियोज़ में व्यूज़ लाने के लिए, तो ये चीज़ तो डेफिनेटली सही बात है। तो आउटरो नहीं लगाना है लेकिन आपको 2 वीडियो ऐड जरूर करना है, आप एंड स्क्रीन का यूज़ जरूर कीजिए। क्या होगा, एंड स्क्रीन में आप जैसे बोलते रहोगे बोलते बोलते ही 2 वीडियो मेरे इस दोनों साइड में आ जाएगा, इस वीडियो पर भी आएगा, आप लोग नोटिस करना। तो ये सब चीज़ें जो है खुद से नॉलेज लगाना पड़ता है। तो आज किसी वीडियो में मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है, आपका एड्स आते हैं, तो आप आउटरो मत यूज करना अगर आप करते हो अपने चैनल पर। अगर आपको अर्निंग ज़्यादा थोड़ा इंक्रीज करवाना है तो आउटरो को यूज नहीं करना है। तो गाइज आप लोगों को उम्मीद करूंगा आज की इस वीडियो से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली है, थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल पर नए हो तो या सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आज के इतना ही, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।